तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया रहे। गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेंटन के दो काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट एलियंस की वर्सेस के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेट और फास्ट ट्रैक की वर्सेस के ऊपर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन बेस्ट है और कौन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। गाइस आज की वीडियो में हम इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ और वीकनेस को देखकर ही किसी एक को विजेता साबित करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं एक्सेलरेट। तो गाइस एक्सेलरेट की स्पीशीज का नाम है किनेट सेलरन। इसका होम प्लैनेट है किनेट। अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है इनहेंस स्पीड, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्टेमिना, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस रिकवरी, इनहेंस डेक्सटेरिटी, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस डायरेक्शनलिटी, शार्प एल्बो ब्लेड, शार्प क्लॉस, शार्प फीट, गैस इम्यूनिटी, वॉल एंड वाटर रनिंग, वॉटेक्स क्रिएशन, टोर्नेडो क्रिएशन। एंड गाइस ये इतना ज़्यादा फास्ट है कि ये टाइम को रोक सकता है, टाइम में ट्रैवल कर सकता है। यू कहो तो ये पैराडॉक्स की तरह ही बिल्कुल टाइम में ट्रैवल कर सकता है और टाइम को रोक भी सकता है। तो आप बात कर लेते हैं इसकी वीकनेसेस के ऊपर। इसकी वीकनेसेस ये है कि ये पानी वाले सरफेस और स्लिपरी सरफेस पे नहीं चल पाता है, जैसे कि हमने एक बार देखा भी था कि आइस सरफेस पे नहीं चल पाता। तो गाइस अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक के ऊपर। तो गाइस फास्ट ट्रैक की स्पीशीज का नाम है सेट्रेकाई। इसका होम प्लैनेट है चैलिबियस। इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है इनहेंस स्पीड, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस स्टेमिना, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस रिफ्लेक्सेस, इनहेंस रिकवरी, इनहेंस बैलेंस, इनहेंस डेक्सटेरिटी, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस डायरेक्शनलिटी, शार्प हेड फिन्स, शार्प आर्म ब्लेड्स, शार्प लेग ब्लेड्स। गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेसेस की। सो गाइस अगर इसकी वीकनेसेस के ऊपर बात करें तो इसकी वीकनेसेस बहुत सारी है। गाइस पहली वीकनेस है कि अगर अपने फुल स्पीड पे चला जाए तो ये अपने आप को ठीक वक्त पे नहीं रोक पाता, मतलब इसको रुकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये उसी जगह नहीं रुक पाता जहाँ पे इसको रुकना होता है। अब इसकी दूसरी वीकनेस के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइस इसकी दूसरी वीकनेस जो है, ये हर ग्रेविटी के ऊपर नहीं चल पाता। अगर ये किसी ऐसे प्लेनेट के ऊपर चला जाए जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो ये उस पर बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कौन है विनर। तो विनर है एक्सेलरेट। सो गाइस एक्सेलरेट विनर कैसे है। सो गाइस विनर एक्सेलरेट ऐसे है क्योंकि एक्सेलरेट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है फास्ट ट्रैक से ज़्यादा। गाइस मैंने बताया कि फास्ट ट्रैक करेक्ट जगह पे वहाँ नहीं रुक पाता जहाँ पे उसको रुकना होता है अगर वो अपनी टॉप स्पीड पर चला जाए, लेकिन एक्सेलरेट के साथ ऐसा नहीं होता। उसके पैरों पे जो पहिए लगे हैं उसे ये सब करने में मदद करते हैं एंड वो हर तरह की ग्रेविटी के ऊपर चल पाता है। लेकिन फास्ट ट्रैक के साथ ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है एक्सेलरेट से, क्योंकि एक्सेलरेट वोर्टेक्स क्रिएट कर सकता है, टाइम को रोक सकता है, टाइम में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन फास्ट ट्रैक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो एक्सेलरेट से काफ़ी ज़्यादा वीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि फास्ट ट्रैक वीक एलियन है, लेकिन अगर ऐसे एक्सेलरेट से कंपेयर करें तो एक्सेलरेट से वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, क्योंकि एक्सेलरेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट एलियन है और हमने उसकी फुल स्पीड देख भी रखी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो।